यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। मैं हूँ अवंतिका यादव, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। खबरों का रुख करेंगे लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से है, जहां पर आपको बता दें कि 5 आतंकी ढेर किए गए हैं। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, उरी में 5 फिदायीन ढेर किए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सेना, CRPF और पुलिस ने साझा ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद ये बड़ी कामयाबी मिली। 6 आतंकियों को ढेर करने में घुसपैठ की कोशिश करते हुए नाकाम किए गए और साथ ही 6 फिदायीन ढेर किए गए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को मार गिराया। पहले 3 आतंकी मारे गए थे, जबकि आखिरी आतंकी कहीं छुपा हुआ था। उसके बाद एक के बाद एक 6 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं, 6 फिदायीन ढेर किए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF ने ज्वाइंट ऑपरेशन में इन आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी हासिल की है। और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP शैल पॉल वैद ने इस कामयाबी पर सुरक्षा बलों को बधाई भी दी। और ज्यादा जानकारी लेंगे दिनेश सूदन, हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, 6 फिदायीन ढेर किए गए हैं, साझा ऑपरेशन चलाया गया, बड़ी कामयाबी सेना की। जी वंतिका, आपको बता दें कि सुबह से ही जो जम्मू कश्मीर पुलिस और जो सेना के जवान था उनका स्विफ्ट अभियान जो है उड़ी सेक्टर में चल रहा है, जिसमें सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है जिसमें 6 जो जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट थे उन्हें वहां पे मार गिराया गया है। इसमें से कम जो है 5 की जो वहां पे अभी बॉडी रिकवर कर ली गई है, जो बाकी है उनकी अभी वहां पे जो है सर्च ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है। जी दिनेश, क्या ये ऑपरेशन खत्म हो गया है या अभी भी और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है? जी आपको बता दें कि कुछ देर पहले जो जम्मू कश्मीर के DGP है SP वैद, उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि जिसमें बताया जा रहा था कि जो 5 मिलिटेंट थे उनकी वहां पे जो डेड बॉडी है उसके रिकवर कर लिए गया है। उनकी ओर से ये भी बताया गया है कि 1 या 2 जो मिलिटेंट है उनके और वहां पे मारे जाने की शंका है, इसलिए वहां पे अभी जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी जी, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है दिनेश। साथ ही कोशिश थी, घुसपैठ कर रहे थे और उसको नाकाम किया गया है सेना की ओर से। हाँ जी अवंतिका, आपको बता दें कि जो सेना को इसकी इनपुट पहले ही थी, जो जैश ए मोहम्मद के जो आतंकवादी है वो पाकिस्तान के रास्ते जो उड़ी सेक्टर है वहां से इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। सुबह के लगभग जो वहां पे मिलिटेंटों की वहां के गतिविधि देखी थी, उसके बाद दोनों ओर से मुठभेड़ हुई जिसमें 5 जो आतंकवादी है उन्हें वहां पे मार गिराया गया है। जी दिनेश, फिदायीन आतंकी जो है वो ढेर किए गए हैं, किस मंसूबों के साथ में, क्या कुछ इनकी प्लानिंग थी जिसके साथ ये घुसपैठ कर रहे थे? जी अभी ये साफ नहीं हो पाया है इनसे अभी वहां पे कौन कौन से हथियार बरामद किए गए हैं। फिलहाल जो अभी वहां पे इनसे अभी इनकी डेड बॉडी वहां पे रिकवर की गई है, इसकी जानकारी कुछ देर बाद ही हमें मिल पाएगी। फिलहाल क्योंकि वहां पे अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इन आतंकवादियों से कौन से हथियार अभी वहां पे बरामद किए गए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, 6 फिदायीन ढेर कर दिए गए हैं। जैश ए मोहम्मद के ये आतंकवादी थे, 6 फिदायीन आतंकवादी ढेर कर दिए हैं, घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे जिसे सेना ने नाकाम किया। साझा ऑपरेशन चलाया गया जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और सेना की ओर से। और साथ ही अभी भी सर्च ऑपरेशन सेना का लगातार जारी है, बड़ी कामयाबी सेना को।